वेलोसिटी है वो कैसे निकाली जाती है यार। वेलोसिटी निकालने का सिंपल सा तरीका है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। किसी भी वेव के लिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी स्पीड आ जाएगी यार। अब ये दोनों हमें स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन से कंपेयर करने पर मिलेंगे। स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन क्या होता है, आप स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन पढ़े होंगे, जिसमें y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल t अपन कैपिटल t मल्टीप्लाइड बाय cos 2 पाई x अपन लैम्डा होता है। दिस इज द स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, ये आप पढ़ के आए होंगे। इसका और जो दिया हुआ है उसका, इन दोनों का कंपैरिजन हो जाए तो हमें ये जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो हमें पता चल जाएगा। तो अगर मैं इनका कंपेयर करता हूँ तो 2 पाई कैपिटल टी की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कंपेयर करो वो आ जाएगी 100 टी, 100 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो 2 पाई अपॉन 100, मतलब ये हुआ पाई बाई 50। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो 50 अपॉन पाई हर्ट्स आ जाएगी। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको ऐसे रहने दो। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें वेवलेंथ चाहिए। वेवलेंथ यहाँ पर है 2 पाई लैम्डा और एक्स इसका 0.0x से कंपेयर हो जाए तो यहाँ से मुझे कंपेयर करने के बाद जो मिलेगा 2 पाई लैम्डा की जो वैल्यू है इन दोनों में कंपेयर करेंगे वो 0.01 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लैम्डा की वैल्यू है 2 पाई 0.01 है। दिस इज द लैम्डा, ये रहा लैम्डा और ये रहा फ्रीक्वेंसी। अब क्या चाहिए हमें, स्पीड चाहिए। तो स्पीड चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो स्पीड ऑफ वेव जो आ जाएगी वो कांस्टेंट होती है, वेव की स्पीड कांस्टेंट होती है, एक्सेलेरेशन जीरो होता है। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 मल्टीप्लाइड बाय पाई और मल्टीप्लाई कर दूँ 2 पाई और ये 0.001, तो पाई ने पाई को और ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.0 खत्म हो गया और 20 इधर हो गया और 5 × 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ए ऑप्शन हम लोग का सही है। क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो।